Dear students, in this module, we are going to discuss the conflict perspective and its point of view about the deviant behavior. Conflict perspective particularly talks about the class system and its relationship with the criminal justice system. So, it suggests that deviance and crime are a result of social inequality and power struggle between. डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी जैसे कि कॉन्फ्लिक्टस्पेक्टिव में दो पर्टिकुलर क्लासेज का जिक्र है प्रोलीटेट क्लास है बोझजुआ क्लास है ये दोनों क्लासेज़ आपस में कंटिन्यूसली रिसोर्स के लिए स्ट्रगल करती हैं और इसी स्ट्रगल के नतीजे में जो है वो डेवियंसी अकड़ होती है ये चूँकि पोटेंशली एक इनकवालिटी पर मबनी और क्लास बेस सिस्टम होता है तो पोटेंशली मार्क्सिज्म या कॉन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव ये कहता है कि क्लास बेस्ड सिस्टम ही पोटेंशली सोर्स है डेविएंट बिहेवियर को क्रिएट करने का दूसरे लफ्जों में किसी भी क्लास बेस्ड सिस्टम के अंदर ये इम्पॉसिबल है कि डेविएंट बिहेवियर प्रोड्यूस ना हो इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल सोशल इनक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन ग्रुप्स कैन लीड टू हाई रेट्स ऑफ क्राइम एंड डेवियंस इन दोज़ कम्यूनिटीज़ अगर हम अपने माशरे में देखें आप अपने इर्ग गिर्द गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्राइम क्यों कमिट किया जा रहा है स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाता है जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है गुर्बत बढ़ती है स्ट्रीट क्राइम में इजाफ़ा हो जाता है थेफ्ट में इजाफ़ा हो जाता है मर्डर्स में इजाफा हो जाता है सो ओवरऑल इसका एक डायरेक्ट लिंक या कनेक्शन बनता है डिवियंसी के साथ इसी तरह से हम ये देखते हैं कि आपका जो जस्टिस सिस्टम होता है अगर उसके अंदर एम्बेडिड हो ये पोटेंशियल इनक्वालिटी और वो जो प्रवलेज क्लास है उसको डिफरेंटली ट्रीट करे दैन द नॉन प्रवलेज क्लास तो भी क्राइम रेट इंक्रीज हो जाता है और लोग उस जस्टिस को अपने हाथ में ले लेते हैं जो पब्लिक स्प्लेस के अंदर लिंचिंग के जो वाक़ हुए जिसमें अगर कोई चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो लोग जो हैं उसको जिंदा जला देते हैं ये भी वो एक्सट्रीम केसेस होते हैं जिसमें लोगों का अपने जस्टिस सिस्टम से बिलीफ उठ जाता है इस वजह से क्योंकि उनका यह ख्याल होता है कि ये एक क्लास बेस्ड जस्टिस सिस्टम है जो एक सर्टन या प्रवलिज क्लास के लिए बना हुआ है और वो उनको डिफरेंटली ट्रीट करता है और इस सिस्टम के अंदर जो नॉन या अनप्रविलिज क्लास है उसको इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है द क्रिमिनल सिस्टम मे आल्सो प्रपैचुएट सोशल इक्वालिटी सच एज़ थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसिंग एंड sentencing practices addressing the social inequality and promoting equal access to resources and opportunities is important for reducing deviance and promoting a just and equitable society so it's again a food for thought for you that you if you look around you and you see that how our justice system works and how and whether it's a it is आ क्लास बेस्ड सिस्टम और नॉट आप जो रिसेंट पास के अंदर जो कुछ एग्जांपल्स हैं उनको देख सकते हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं न्यूज़पेपर्स में से देख सकते हैं और उससे आप ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि कैसे सोशल जस्टिस सिस्टम जो है वो जब क्लास बेस्ड होता है तो इनक्वालिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है और जैसे जैसे लोगों के अंदर ये इंप्रेशन स्ट्रॉग होता जाता है कि ये सोशल जस्टिस सिस्टम जो है ये क्लास बेस्ड है वैसे वैसे क्राइम रेट इंक्रीज होता जाता है तो दिस इज़ फूड फॉर थॉट फॉर यू एंड यू कैन यू यू कैन डिवेलप काइंड ऑफ असाइनमेंट फॉर योर सेल्फ बाय हैविंग अ कंटेंट एनालिसिस ऑफ रिसेंट न्यूज़पेपर्स।